तो नमस्कार, यहाँ पे आज हमारे पास है ये जो पिजन कंपनी है, इसका ये पॉपअप टोस्टर। और ये जो टोस्टर है, जो इसका जो बेसिक एंट्री लेवल टोस्टर है उसमें से है, और ये काफी बढ़िया है। मतलब बहुत ही यूनिक प्राइस पे ये आता है। चलिए बिना किसी देरी के इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं आखिर हमें क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये 750 वॉट का है जो टोस्टर है, और ये जिसकी मैक्सिमम MRP है वो है 1795 रुपये। और जो इसका मॉडल नंबर है, ये मतलब मॉडल नंबर एग्जैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन इस मॉडल का नाम है पॉपअप टोस्टर। कुछ इस टाइप का इसमें बॉक्स आता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस बॉक्स को ओपन करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है ये एक वारंटी का। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये टोस्टर। तो यहाँ वजन की बात करें तो वेट में काफी हल्का है, मतलब बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पे इसकी जो बॉडी है, जो प्लास्टिक की बॉडी है बिल्कुल, और काफी हल्का मटेरियल यूज किया हुआ है, लेकिन दिखने में फिनिश वगैरह ठीक है। बैक की साइड करें तो यहाँ बैक के अंदर जो है ग्रिल दी हुई, इसमें से ये जो गर्म हवा है वेपर से ये बाहर डिस्पर्स होती होगी। जो मेन कंट्रोल है वो सारा एक ही साइड है। यहाँ पे ये स्लाइडर दिया हुआ है, जब इसे ब्रेड को डाल के इसको ऑन करते हैं तब ये नीचे यहाँ पे सेट हो जाता है। यहाँ पे थर्मोस्टेट की अलग अलग रेंज दी हुई है, 1 से लेकर 7 तक, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल बटन दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द जो टोस्टिंग है आप इसको कभी भी अबॉर्ट करना चाहे तो इस बटन के थ्रू अबॉर्ट कर सकते हैं। और अदर साइड में बात करें तो पीछे की साइड यहाँ पे आपको एक ये ब्रेड क्रम्ब ट्रे मिल जाती है, जिसके अंदर जितना भी ब्रेड का वेस्टेज है वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, कोड की लेंथ की बात करें तो कोड की लेंथ यहाँ पे थोड़ी सी अनसेटिस्फेक्ट्री लगी मेरे को, क्योंकि कोड की लेंथ काफी छोटी सी है, बहुत छोटी है देखी जाए तो। देखिए इतनी सी यहाँ पे कोड है, ये कोड की जो लेंथ है काफी कम है। अकॉर्डिंग टू तो इसके लिए आप एक एक्सटेंशन बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर किचन के अंदर यूज करना है तो बिल्कुल मतलब किचन के आपके पार्टीशन के पास बिल्कुल वहाँ पे एक बिजली का पॉइंट होना चाहिए। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे सारा स्टील का मेश दिया हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो टोस्ट बड़ी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है और ये काफी जल्दी ही गर्म हो जाता है। तो चलिए फटाफट इसके अंदर हम कुछ ब्रेड सेक के आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे टोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो सॉकेट है, प्लग है, वो नॉर्मल ही प्लग है, मतलब नॉर्मल उसके अंदर लग जाएगा। तो मैं एक बार इसको इसमें लगा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे ऑन हो जाता है, और अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो गई। तो एक बार मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ 3 के ऊपर, और इसको कर देते हैं लगा देते हैं। अब देखते हैं कि ये अपना आप सिक्के और बाहर आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये टोस्टिंग स्टार्ट हो गई है दोनों साइड से। टोस्टिंग चल रही है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाती है ये इस तरह से बाहर आ जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, लेकिन ये बाहर जब आते हैं तो भाई इसको यहाँ जो प्लास्टिक की बॉडी है इस पे नहीं रखना है, और ये काफी गर्म है कुछ इस टाइप से। मतलब अभी 3 की सेटिंग पे कुछ हल्की ही टोस्टिंग हुई है, कुछ ज्यादा नहीं हुई, थोड़ा ज्यादा करके भी आप लगा सकते हैं, काफी गर्म है। तो इस तरह से काम करता है ये टोस्टर। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बाय, नमस्कार।